नमस्कार, संजू के किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं भुने हुए चावल के लड्डू। बहुत ही अच्छे बनके तैयार होते हैं और ये हमने नॉर्मली जो खाने के लिए चावल यूज करते हैं रोज, वही चावल ले लिए हैं। इनको भुना लिया है हमने और आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये चावलों को कैसे भुना जाता है। और ये ले लिया है, ये 200 ग्राम होंगे या 250 ग्राम, ऐसे ही लमसम है। तो इसके बनाने के लिए हमको गुड़ भी चाहिए। तो पहले हम इन चावलों को साफ कर लेते हैं। इसे हम डलिया में डाल लिए हैं जो छन्ने की तरह है और उसी में हम इसको पहले साफ कर लेंगे हिला हिला के। देखिए सारे चावल, कभी ऐसा होता है कभी ये बहुत अच्छे फूल जाते हैं, कभी टाइट हो जाते हैं। तो पहले हम चावल को ऐसे हिला लेते हैं। ये नया चावल है तो ये थोड़ा सा फूला नहीं है, टाइट ही है। तो इस तरीके से कर देंगे जो हमारे इसमें बालू वगैरह मिट्टी वगैरह होगी तो निकल जाएगी, अच्छे से हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। और इसकी जो क्वांटिटी लेनी होती है गुड़ की और चावल की, तो सेम लेंगे कि बराबर मात्रा में लेंगे, क्योंकि इसकी जब तक गुड़ नहीं होगा ये मीठा नहीं लगेगा। तो ये जितने हमारे चावल हैं उतने ही हमने गुड़ को रख लिया है। ये देखिए थोड़ा सा हम पानी रख लिए हैं, एक चम्मच घी रख लिया है देसी। इन्हीं चीज़ों से हम बनाएंगे अच्छे से लड्डू चावल के भुने हुए। पहले गैस के फ्लेम को चालू कर लेती हूँ, सॉरी गैस को चालू करना है और फ्लेम को स्लो ही रखना है। ये हमने एक लोहे की कढ़ाई ले ली है, और अगर आप नॉन स्टिक कढ़ाई लेते हैं कोई भी कढ़ाई ले सकती हैं, ले लें। और ये इसमें हम डाल दिया है देसी घी। देसी घी को मैट होने देते हैं। जब ये मैट हो जाता है तो इसमें हम सारे गुड़ को डालेंगे। गुड़ को डालने के बाद सारा गुड़ डाल देती हूँ, जो इसमें प्लेट में चिपका हुआ है वो भी डाल देती हूँ। और डालेंगे थोड़ा सा पानी, बहुत ही थोड़ा पानी डालना पड़ता है। चलाते हुए हमको इस तरीके से पकाना है और धीरे धीरे हम चलाते जाएंगे, पकाते जाएंगे, इतना सारा हमारा गुड़ है मैट हो जाएगा, अच्छा सा पक के तैयार हो जाएगा। और इस पर नजर जरूरी रखना है और गैस के फ्लेम को सिर्फ देखिए, गुड़ हमारा पकने लगा है और कहीं कहीं थोड़ा सा बाकी बचा हुआ है घुलने के लिए, वो भी इसमें मैट कर लेती हूँ। चलाते जाएंगे, पकाते जाएंगे, ये सब सही से पक जाएगा। और ये हमारे भुने चावल हैं। ये चावल हमने भुनाए हैं भट्टी से बाहर से, और अगर आपके आसपास कहीं भट्टी है तो वहाँ भुना सकते हैं, नहीं है तो आप घर में इन्हें भून सकते हैं, नमक में भून सकते हैं, नमक को गर्म करके उसमें भून सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा नमकीन लगेगा, और आप तवे पे भी डाल के इस तरीके से भून सकते हैं, गर्म करके अच्छे से भुन जाएंगे। और भट्टी पे भुनाएंगे तो अच्छे से भुन जाएंगे। और ये हमारा गुड़ मैट हो चुका है, बबल्स आ चुके हैं इसमें। चलाते जाएंगे, अब देखते हैं, इसको चेक करेंगे पानी में थोड़ा सा डाल के। चेक करती हूँ पहले, एक इसमें पानी रख लिया है ठंडा, और इसमें चलाएंगे, चलाते हुए इसमें दो तीन ड्रॉप डालेंगे पानी में, और थोड़ा ठंडा हो जाता है तब इसमें हाथ से उंगली से ऐसे करेंगे। देखिए एक गोले की टाइप ही चिपक रहा है, गोले की टाइप निकाल लेती हूँ बाहर। अगर आपका गुड़ इस तरीके से एक बॉल्स की तरह बन रहा है तो ये समझ लिए आपका गुड़ पक चुका है। अब इस समय आप गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिए और डाल दीजिए सारे चावल इसमें। सारे चावल डालने के बाद हमें इन्हें मिक्स कर लेना है अच्छे से, पूरे गुड़ को और चावल को मिक्स कर लेना है आपस में। मिला लेती पहले, देखिए इस तरीके से मिक्स हो गया है। और एक किसी बर्तन में हम घी लगा लेती हूँ, घी तेल कुछ भी हो लगा ले। इसमें हम निकालेंगे मिश्रण जो हमने तैयार करके रखा है, और इधर चलाते जाएंगे, अभी बहुत गर्म है। और इस तरीके से लगा लेंगे तो हमारी प्लेट में चिपकेगा नहीं। और पूरा निकाल लिया हमने दूसरे बर्तन में फटाफट से, और ये ठंडे होने से पहले इसके हमें लड्डू बना लेना है। तो क्या करना है, हल्का सा गुनगुना है तो हम हाथ में पानी लगाएंगे और इस तरीके से सारे लड्डू बना के तैयार करते हैं। एक हाथ से, दोनों हाथ से भी जल्दी जल्दी से इसको बना लें वरना ठंडा हो जाएगा ये। देखिए फटाफट से हम इसके बॉल्स बना लेने हैं। देखिए हमने तीन बना लिए हैं। अगर पानी आपके हाथ में ज़्यादा चिपक रहा है तो आप हाथ को धुल भी सकती हैं, धुलने के बाद पोंछ लें। और इस तरीके से सारे लड्डू हमने बना के तैयार कर लिया है।
अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साइट पर लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगी। और ये अभी थोड़ा सा मुलायम लड्डू है तो इसको इस तरीके से दाब रहे हैं तो ये दब रहा है। और इस तरीके से आप टिक्की को भी बना सकती हैं कि पहले गोल कर ले बाद में टिक्की बना सकती हैं। इस तरीके से वो भी टेस्टी लगती हैं, खाने में देखने में भी अच्छी लगती हैं। और इसी तरह से सारे लड्डुओं को आप बना सकती हैं। अब ये थोड़ा सा ठंडे हो गए हैं तो आप इन्हें छुएंगे तो ये बिल्कुल दबने वाला नहीं, जब आप तोड़ेंगे तभी टूटेगा। ये देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, ये ठंडा हो गया है पूरी तरह से। 10 मिनट बाद इस तरीके के हो गए हैं। बनाइए, तरह तरह के लड्डू बनाइए, खाइए, सभी को खिलाइए, आप भी खाइए, बच्चों को खिलाइए। और इसी तरीके से मेरी वीडियो को देखिए, लाइक किए, शेयर किए।